गाइज, आखिर फाइनली XUV700 का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट अनवील हो चुका है, जहां पर इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छी रेटिंग स्कोर करी है। महिंद्रा XUV700 ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 out of 5 स्टार और एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 out of 5 स्टार की तगड़ी रेटिंग स्कोर करी है। यहाँ हम स्कोर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे 16.03 out of 17 फॉर एडल्ट और चाइल्ड के लिए 41.66 out of 49 की रेटिंग यहाँ पे स्कोर करी है महिंद्रा XUV700 ने। अब यहाँ पे जिस वेरिएंट का जो क्रैश टेस्ट किया गया है वो था इसका AX3 वेरिएंट, जिसमें सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD और ड्यूल एयरबैग्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर दिए गए थे। एंड यहाँ जो क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग के पहले काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस गाड़ी की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो कम आएगी, क्योंकि इसमें जो महिंद्रा ने XUV का टेल गेट है वो इसका फाइबर का बना दिया है। लेकिन अब काफ़ी लोगों को ये सब मानना पड़ेगा कि इस गाड़ी, ये भी गाड़ी है, सेफ्टी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। वैसे सेफ्टी के मामले में तो महिंद्रा की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती है, जैसे अगर हम देखते हैं थार, XUV300 और महिंद्रा की माराजो, इन गाड़ियों की भी सेफ्टी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे XUV700 का क्रैश टेस्ट तो आ चुका है, लेकिन अब जो है इंतजार टाटा सफारी का भी है, क्योंकि वो भी इसी सेगमेंट में इसी गाड़ी को डायरेक्ट कॉम्पीट करती है। तो उस गाड़ी का भी अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग सामने आती है तो लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा इन दोनों गाड़ियों से कि क्रैश टेस्ट के मामले में, सेफ्टी के मामले में इन दोनों गाड़ियों से कौन सी बेहतर है। तो गाइज, XUV700 को जिन भी कस्टमरों ने गाड़ियों को बुक किया है उनको लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उन लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि वो क्रैश टेस्ट के मामले ये गाड़ी उनके लिए काफ़ी सेफ कार है। तो चलिए गाइज, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।